रामचंद्र, अरे खोल के दाम बताइए। बहुत से भाई चाहते हैं कि उन्हें भैंस का बच्चा मिले, यानी पणिया खोजते हैं। जिन भाइयों का कम बजट होता है वो सोचते हैं कि एक पणिया को पाल करके एक भैंस बना ले, है ना? सही बात। इसी उपक्रम में हम पहुंचे हैं दिलदार नगर के कुशवाहा पशु मंडी में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ पणिया आई हुई हैं दर्जनों की संख्या में, जो बिक्री होने के लिए आई हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे साथ एक मित्र जुड़े हुए हैं। भाई जी। हाँ हाँ भैया, सबसे पहले अपना परिचय भी दीजिए कि जो भाई। नाम वैसे सुंदर यादव है, ग्राम तिलमा पोस्ट देवतीपुर से मैं जो है बिलोंग करता हूँ, और मैं ये पड़िया लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर दिलदार नगर पशु मंडी में। ठीक है जी। तो इन पड़ियों ये पड़िया का नस्ल हमको जो है अच्छा लगा, ये वाला देखें, थोड़ा घुमाइए भाई साहब, वहाँ गाड़ी के यहाँ ले जाइए, हमने घुमाइए। जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी मालूम चले कि यहाँ पे किस तरह की पणिया मिलती है या आती है। इसको हमको लेना है, तो देख रहे हैं, देखिए और उनसे विस्तार से बात कीजिए। हाँ, आपका क्या नाम है भैया? अच्छा जी, दिलदार नगर के मेला मंडी में पणिया लेके आए हैं बिक्री करने के लिए। कितने लेके आए हैं? पणिया है हमारे पास 21 थी, जिसमें से 8 बिक गई है। 21 थी जिसमें से 8 बिक गई है, उधर इधर। इसके बारे में आप बताइए, कितने दिन की है? एक करीब करीब 17 महीना की होगी। 17 महीने की। क्या मांग रहे हैं इसका रेट? इसका दाम 25,000। 25,000 देने वाला बताइए। अरे देने वाले आप बता कर दीजिए, यदि आप बढ़िया से देंगे तो यहीं बिपिन जी हमारे मित्र भी हैं। सही बात। और मैं भी हूँ, यहाँ पर ले लेंगे क्या भाई? जी बिल्कुल सही बात है जी। यह सौभाग्य था कि दिलदार नगर की मंडी में हम आए थे और भाई जी भी आ गए थे। अरे आपसे मिलने के लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रहा था, लेकिन भगवान का कुदरत नहीं होता है, इससे मिलना होता है, भगवान से मिलाना होता है, वो मिला देते हैं। अचानक हम भी पहुंच गए थे, संयोग से आप भी पहुंच गए। आवाज से पहचान गया, हमारे मित्र विपिन सिंह ही हैं जी। तो जो है आपसे मिल करके बहुत खुशी हुई। हम सोचे कि एक पणिया के ऊपर भी एक वीडियो बनाए, ताकि जो भाई जिन भाइयों का कम बजट है सोचते हैं कि एक पणिया ही पाल करके एक भैंस बना ले। बहुत अच्छी बात है, किसी तरह 70-75 की बन जाएगी जी। तो इसका दाम आप एक्यूरेट बताएंगे या हम बताएं देने वाला आपको? उचित बताइए। 22,000 दे दीजिएगा। 22,000 जी। थोड़ा और आगे बढ़ाइए। बोले हम भी कुछ बोले, बोलते भी। हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए, खुल के बोलिए, आपको भी स्वतंत्रता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी इसका दाम दे दीजिए, आप कहेंगे तो बोल देंगे। एकदम बिल्कुल बोलिए, आपको भी उतनी ही स्वतंत्रता है और उनको भी उतनी ही स्वतंत्रता है। ऐसा है कि इसका दाम हम दे रहे हैं 14,000 तो नहीं होगा। नितिन जी कोई हम मांगेंगे, हमारे जाने में थोड़ा है, कम है नहीं, कम है ना, आपके जाने में बताइए। बोलिए, खुल के बोलिए, कहाँ तक हो जाएगी? हो जाएगी 18,000, अब उससे कम नहीं होगा। देखिए, इसे मैं कुछ अगर इधर उधर करके दे देते तो बेहतर रहता। इसमें इतना एक वीडियो के सामने ही आपका सौदा भी हो जाता। सही बात। तो लोग थोड़ा प्रेरित भी होते कि नहीं, इस कीमत में यहाँ पे इस तरह की पणिया मिल जाती है। के लिए बीपी जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें कुछ नस्ल है। हाँ हाँ, मैं बचपन से ही पहचानता हूँ नस्ल को। अच्छा जी, थोड़ा इधर घुमाइए। यानी मैं आपको नस्ल बता रहा हूँ क्या नस्ल है। ये समझिए कि प्योर मुर्रा कैटेगरी की जो है नस्ल की आ रही है, हरियाणा वरियाणा की जो भैंस होती है उसी नस्ल से आ रही है, उसी कैटेगरी में आ रही है। हाँ, उसी एकदम मुर्रा नस्ल की कैटेगरी में आ रही है। ठीक है, घुमा लिए घुमा लिए। 17 महीने की ये बताई जा रही है। हाँ, लेकिन ये है 17 महीने की नहीं, 17 महीने से कम की। एक रेट ये 17 महीने की नहीं है, ये जो है इसका आय है, ये देने वाला झूठ बोल कर दिया है। ये एगुरेट है, समझ जाइए कि मुश्किल से होगा तो समझ जाइए 11 नहीं तो 12 महीने। हाँ, इससे ज्यादा की नहीं, 17 महीने की काफी ज्यादा। नहीं नहीं, 17 महीना कुछ कहता है ना, वो सही है, सही है, विकसित सही है, थन और बाट इसका कोई दिक्कत नहीं है, प्योर मुर्रा की जो है नस्ल में आएगी, इतना समझ जाइए। देखिए, अगर इसमें कुछ होता है भैया तो करके दे दीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। तो बेचने ही के लिए लाए हैं इसको, हम घर पे छोड़ ले जाएंगे। 14,000 रुपया मैं दे रहा हूँ, 14,000 पर भाई साहब नहीं होगी, और इसको जो है हमें दे दीजिए,
इसको ले जाना है, कोई एक पैसा कम नहीं होगा। अच्छा आप बताइए जितना इसका आय है, आय के अनुसार मैं बजट तो जो है कम नहीं दे रहा। नहीं नहीं सही बात है, सही बात। ये तो दो भाइयों के बीच का आपसी बातें हैं। आपको भी कुछ अनुभव है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सामने तो दर्जनों पणिये बिकती है और दर्जनों भैंसे बिकती है। बीच वाली जो पणिया बिल्कुल सही है, बिक्री हो गया है। इस पर बस हम समझ रहे हैं, जो राउंड सर्कल लेने वाला होगा कन्नी वाला सिंह एकदम इसका होगा, प्योर मुरहा की क्वालिटी में आएगी। ये पणिया जितनी भी है यहाँ पर देखिए, ये पड़िया जितनी भी है ना, ये भी देखिए, ये भी पड़िया जो है, ये भी पड़िया बिक गई है भैया, लंबी पड़िया हो। कितने में बेचे हैं वो सही बता रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, 11:30 की बिकी। ये 11:30 की बिकी है? हाँ बिकी है, अभी जाएगी गाजीपुर ऑटो लाने गए हैं। अच्छा जी, चलिए वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे इसमें कोई देखिए नस्ल होता है ठीक ना, कुछ ऐसा भी नस्ल होता है जैसे मान लीजिए यही नस्ल वो भी है। हाँ है, इसका थोड़ा थन का बनाइए नितिन जी, इसका थन का बनाइए वीडियो। पैर को इसका भी ठीक ठाक है, ठीक है ना। लेकिन देखिए इसमें क्वालिटी जो है ये भी कोई सही है, ये भी क्वालिटी की दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब अच्छी है भैया, चौड़ा कुछ अच्छी है, चौड़ी है। लेकिन नशा में जो है देखिए इसका कोई क्वालिटी इसमें कोई अलग है, देखिए देखिए, अगर बात बनता है तो फिर अभी ले जाता मैं। चलिए ठीक है आइएगा, दे दीजिए, आज ही ले जाएंगे ना, लेकर चले पर कहाँ होगी बताइए, हमारा भी तो खर्च लगा है। नहीं हो गए मेला मंडी का जो आप लोगों को कीमत बताया जा रहा है ये फिक्स कीमत नहीं है, है ना। ये कुछ कीमत अलग होता है, मांगने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता है कि वो कम से कम मांगे। सही बात। इसको लेके आप क्या कहेंगे भाई जी? ले लेंगे वो, यदि दाम इसका बढ़िया हो जाएगा ना हम ही ले लेंगे, थोड़ा उसमें जो है बजट में जो बोले थे हम, बजट बढ़िया दे देंगे तो हम ले लेंगे। अच्छा एक बात है, हरियाणा का नाम आप ले रहे हैं जी, तो आप प्रूफ करा सकते हैं कि पड़िया हरियाणा की है? हाँ, किस तरीके से करा सकते हैं, हमारे पास रसीद है, तो वो रसीद दिखाइए अगर है अभी तो। देखो भैया कहाँ पे रखे हैं रसीद, ले आइए रसीद लाइए, गारंटी आप बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, बैग नहीं है, बैग में अपना वो रखे थे घर के, गए करके चले गए, परसों दिन गए लेके आ जाएंगे शाम। लेकिन हरियाणा की पड़िया है ये, हरियाणा की पड़िया है। तो किस जगह से आप लोग लेके आते हैं? बहादुरगढ़ से। देखिए ये भी पड़िया छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिनिधि अच्छी है। आजा आजा, ये तो साल भर के अंदर की है। हाँ ये 8-9 महीना की होगी, साफ मालूम चल रहा है, 8-9 महीना की मान लीजिए। अच्छा आजा आजा, देखिए नस्ल खराब ना, नस्ल अच्छी है, छोटी पड़िया है लेकिन नस्ल इसका अच्छा है, डेयरी का बच्चा है। इसका कितना दाम रखे हैं? इसका दाम है 14,500, 14,500 बेचने वाला 12,500, 12,500 बाधिए। नसल ठीक है, ये भी नसल ठीक है, बजट सही है, बजट सही है, कोई दिक्कत ना। एक आध और दिखाइए इधर से, इसको दिखाइए, इसको दिखाइए, इसी को आजा आजा। कितना दाम है भाई इसका? इसका दाम है 25,500। 25,500? कहीं वीडियो से नहीं ना प्रभावित होके आप बोल रहे हैं यार, ऐसा कोई बात थोड़ी ना है। हाँ ना,
ये तो अभी कम मांग रहे हैं, गाजीपुर रामा शंकर मांगेंगे इसी पड़िया की 30,000 मांगने से नहीं मिलता है, तो वही बात है ना, तो इसीलिए तो छोटा मोटा मार्केट का बाजार है ना, वही मिलता है, मांगने से तो कुछ मिलेगा नहीं। ये कितने दिनों की है? ये भी 12-13 महीना की। 12-13 महीने की। कितना बोल रहे थे इसका? 25,000 देने वाला, देने वाला 22,500 22,500 थोड़ा एक दाम तो नहीं बता दिया जाए कितना? हाँ हाँ एकदम बताइए आप। मान लीजिए ये जो वीडियो देख रहे हैं भाई लोग, उन्हें मालूम होना चाहिए कि भैया दिलदार नगर की मंडी से अगर एक पड़िया 6,000 6,000 सही बोल रहे हैं ना? एकदम भैया सही बोल रहे। पहले कितना मांगे थे आप? पहले मांगे थे 8,000 रुपए इसका। अच्छा जी, तो बहुत ज्यादा दिनों की होगी, तो महीने भर के अंदर की होगी? चले लगी तो महीने भर के अंदर की होगी ना? हाँ हाँ, डेढ़ महीना। डेढ़ महीना? नहीं डेढ़ महीने का नहीं, डेढ़ महीने का नहीं है, ये पहाड़ी है, एक महीने के अंदर की। 24 दिन का बच्चा, 24 दिन का बच्चा है, हमसे पूछो। 6,000 में बेचे हैं। हाँ हाँ भैया एकदम सही बात, 5,500 इसका दाम है बिपिन का। देने वाला बताइए, देने वाला कितने में देंगे? कितना में नहीं आप ये बताएं, क्या करेंगे? नहीं आप एक रेट बताइए, एक अनुभव है ना कि नहीं, इतना तक दे देंगे उसके बाद? इतना तक दे देंगे कुछ बताओ, 45 तक दे देंगे, ढेर का बताइए। 4,500 नहीं तो बात तो होती है, बात से देखिए को नहीं घबराना चाहिए। बात सौदा तो खावे से हाँ, बतावे से ना घबराना। सही बात, आज ना लेबो कल लेबो, का विचार बहुत बढ़िया है, इसी विचार का जो है व्यक्ति बहुत होगा तो 15 दिन का बच्चा होगा, 15 दिन भी नहीं, हम बताइए कहीं नहीं कि वो 20-25 16-18 दिन तक ही बच्चा बा, 15 दिन के अंदर का होला बता देते हैं। कुल बड़ बड़ भैंस का बच्चा हूँ, आदमी देहात के जन यहाँ की मार ढेर दिन का, ढेर दिन का ना हूँ, खाली बड़ बड़ भैंस के वजह से ऐसा लगा। सही बात, आबो कहीं तो कभी और करा ले, नहीं तो 4,500 रुपए में ये बच्चा बताया जा रहा है। ऐसा ने कब रखा गलत कौन से तीन आदमी आवे लगे से उले के लइका वही तरह करते हम लोग का भले बढ़िया है बच्चा, बढ़िया। अब पहले से क्या है ना भैया पहले से क्या है कि हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है। हां सही बात, यही बच्चे पहले 2,000-3,000 के अंदर मिल जाते थे।